ब्रेक से वापस आ गए हैं तो और भी लोगों से बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा रजाक। मेरा नाम शकीला। जैनब। कौन सी क्लास में बेटा? 8। क्या करती हैं? रोज भाई। कौन सी? 7 क्लास में। बहनें हो दोनों? कजन्स। कजन्स हो, ओके ठीक हो गया। क्या उम्र है? मेरी 12 ईयर्स। 13। 13 ओके चले जी, सवाल करते हैं ठीक है। वो क्या चीज़ है जो जितनी मर्जी पैदल चले कभी नहीं थकती? सड़क। सड़क कह रही है? सड़क। रोड। रोड पैदल नहीं चलती। हमारे जूते। तालियां बजाएं इसके लिए। क्या सुनाना है आपने? आई वॉन्ट टू सिंग अ सॉन्ग। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। चौक। एक मुर्गी होती है, उसके दो बच्चे होते हैं, उसका एक का नाम होता है, एक का नाम होता है, वो कब लाती आ जाता, कब लाती आ जाता। एक दिन वो डॉक्टर के पास जाती है, वो कहती है मैं कब लाती आ जाता, कब लाती आ जाता है। डॉक्टर उसे कहते हैं कि आप कब आ जाएगा, कब आ जाएगा। लेकिन मैं ये जो बड़ी दफ़ा सुना है वो डॉक्टर के पास क्यों जाती है? डॉक्टर क्या कर सकता है इसमें? नाम तो आप लोगों ने रखा, डॉक्टर का क्या कसूर है? ठीक है ना, किसी और के, उसे अपने अम्मा अब्बा दादा दादी के पास जाना चाहिए क्योंकि वो ट्विंस होते हैं। तो डॉक्टर ने तो नाम नहीं रखा ना? डॉक्टर तो तब करे बच्चे में कोई टेक्निकल फॉल्ट हो, उसे कोई बीमारी हो, तब डॉक्टर के पास जाओ, है ना। आई थिंक उसे अपने दादा दादी अब्बा अम्मा के पास जाना चाहिए, कोई हल निकालो, है ना। चलें क्या सुनाएंगे यार? रेसिपी। मैं गाजर के हलवे की रेसिपी बता रही हूँ। गाजर अच्छी तरह धो के कश करके तो भूननी है घी डाल के, फिर उसके अंदर चीनी ऐड करनी है और खोया बादाम पिस्से वगैरह, तो भूने अच्छी तरह तो गाजर का हलवा तैयार है। जबरदस्त जी, लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए थैंक यू जी। एक आज है बड़े मसले की बात है, मैं आपको बताने लगी हूँ, वो ये है कि लोग जो गाजर का हलवा आजकल बना रहे हैं वो बिना गर्क कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, ये जैसे आंटी ने बताया शुरू में ही दूध डाल देते हैं, ऐसे नहीं बनता गाजर का हलवा, उसमें कड़वाहट आती है इस तरह करने से। उसको अच्छे से पहले बॉयल किया करें गाजर को, पक पक के जब वो बॉयल होके बिल्कुल भले बेचारी मरने वाली हो जाए ना, फिर आप उसको जो है वो उसमें दूध डालें और दूध में उसको वो जो है वो आप पकाएं, और जब वो गाढ़ी हो फिर उसको भूनें, उसको इतना भूनें कि वह लाल रंग का हलवा हो जाए, फिर ये हलवा होता है खाने वाला। पता नहीं क्या टेक्निकें लगानी शुरू की हुई हैं आज लोगों ने, ऐसे जीभ से घबरू से हलवे बना देते हैं। मेरे भी कुक ने हलवे का बेड़ा गर्क किया, तो इस वजह से मुझे ये बात याद है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। नाम? फातिमा। असलम। नादिया। क्या करती हैं? कौन सी क्लास में? 2-1। बहन भाई हो? यस। चलो मुझे बताओ, हमारे घर में वो कौन सी जगह है जो आदमी बनाते हैं मगर कभी इस्तेमाल नहीं करते? सॉरी, कोशिश तो करें। हर बिल्डिंग में भी वो जगह होती है तकरीबन। स्टोर रूम। ऐसे भी बताएंगे? हाँ जी, हाँ जी। मैं आज आपको बिरयानी बनानी सिखाऊंगी। बिरयानी बनाने के लिए आप 1 किलो गोश्त लें और उसमें 1/2 किलो दही लें और उसमें बिरयानी मसाला डाल के उसको डीप करके रख दें, और उसके बाद चावल उबालें और उनको ऑयल लें या जो भी आप खाते हैं यूज़ करें, और वो जो गोश्त है उसमें डालकर उसको भून लें अच्छी तरह, और उसके बाद चावल उबालें और उसमें उसको मैट करें, और उसके बाद एक मज़ेदार सी बिरयानी तैयार हो जाए। कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध लें, इन नाराजगी कागजी सारी तेरी ओंदे नाल वासने। मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया,
तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया, सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना, प्यार हो तेरी हद से गुजरना, पहली बार जो आया। हर न्यूज की तरफ से आप लोगों के लिए थैंक यू जी। अच्छी सी फैमिली थी, सब ने कुछ ना कुछ जो है वो सुनाया। और बड़ी यार आज सर्दी हो रही है, ठंड ठंड सी हो रही है, मुझे तो सर्दी लग रही है। खैर देखते हैं किसी और को सर्दी लग रही है नहीं लग रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम? ज़ैनब। मरियम। क्या करती हो? पढ़ती हूँ। क्या पढ़ती हो? स्कूल में पढ़ती हूँ। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ती हो? सेवन प्री नाइन। बड़ी हो आप? बहने हो? यस। अच्छा क्या उम्र है? मेरी 15। 13। ओके चले जी, सवाल करते हैं आपसे ठीक है। मुझे बताओ वो कौन सा गेम है जिसमें पीछे रह जाने वाला जीत जाता है? क्या सुनाएंगे? सॉन्ग। सॉन्ग तू सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल, मुझे आजमाती है तेरी कमी, मेरी हर कमी को है तू लाजमी, जमीन पे ना सही तो आसमां में आमिर, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल। वेरी नाइस। ये लो जी लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए। वेलकम जी। इन्होंने जो है वो गाना सुनाया, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। किसी और से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? माय नेम इज़ अमन। मोहम्मद अब्दुल्ला। क्या करते हो? मैं स्टडी करता हूँ, साथ जॉब। मैं स्टडी कर रही हूँ। क्या रिलेशन? रिसेंटली हमारी इंगेजमेंट हुई है। मुबारक हो। कब तक करनी शादी? अभी तो स्टडी है। कितने साल? आफ्टर 4 ईयर्स। 4 ईयर्स, इतना लंबा डिस्टेंस। हो जाएगा इंतज़ार? हो जाएगा। आपसे जी हो जाएगा। चलो पर मिलते रहते हो जी? फैमिली में इतना मना नहीं है? हाँ जी। कजन्स? कजन हो? अच्छा ठीक है। चलो कौन किस लिहाज से कजन हो? कजन चाचू की भी बेटी हैं और खाला की भी। अच्छा चले जी सवाल करते हैं ठीक है जी। ऐसे वो कौन से दो सवाल हैं जिसका आप कभी जवाब नहीं दे सकते? कोई भी नहीं दे सकता। कोई भी नहीं दे सकता। आजकल तो वैसे अपनी उम्र का कोई जवाब नहीं देता। दे तो सकता है ना, देता नहीं है, गलत दे देता है, मगर दे देता है ना। I don't know. Oh, yeah, yeah, yeah. सुनाना आपने? इन्होंने सॉन्ग सुनाना है। मैंने आपसे? मैं शेर सुनाऊंगा। okay, ये ले, पहले शेर सुनाए फिर माइक इनको दे दीजिएगा, आप गाना सुनाना। इश्क में शेर की और मोहब्बत में बेवफाई की कोई माफी नहीं होती। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। वेरी नाइस। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए थैंक यू। लाहौर न्यूज़ लाहौरियां दी जाने जी। इन्होंने गाना सुनाया, अच्छे गाने का बच्चा सुनाया। किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। नाम? शाहिदा शहजाद। बेबी का नाम? आयत फातमा। आपकी बेटी? हाँ जी। बेटी है ना, माशाल्लाह। चले मुझे बताएं वो कौन सी जगह है जहाँ पे कवारी लड़कियाँ नहीं जा सकती। मैंने रेसिपी बतानी थी। तो मैंने तो सवाल पहले पूछना ना। कवारी लड़कियाँ नहीं जा सकती मस्जिद में? शादीशुदा का कवारी से क्या ताल्लुक उनका? कब्रिस्तान। क्या सुनाओगे? मैंने रेसिपी बतानी है फ्राई फिश की। अस्सलाम वालेकुम जी। आजकल हमारे लाहौर में सीज़न चल रहा है फ्राई फिश का, मैं उसकी आज आपको रेसिपी बताऊंगी।
سب سے پہلے آپ فش کو واش کریں لیمن جوس کے ساتھ اور اسے تھوڑی دیر کے لیے میگنیشن کریں جنجر اینڈ گارلک کے ساتھ. اس کو واش کرنے کے بعد اچھی طرح خشک کر لیں. خشک کرنے کے بعد اس میں آپ مسالے ڈالیں گے, نمک, دھوار مرچ, پسی ہوئی ہلدی, سوکھا پسا ہوا دھنیا, تھوڑی سی اجوائن, اور اگر آپ چٹپٹا بنانا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈالیں اس میں, اور اس کو آپ 6 سے 4 گھنٹے تک آپ اس کو میگنیشن کے لیے رکھ دیں. بعد میں آپ فش کو فرائی کریں. اگر آپ اس پہ بیسن میگنیٹ کرنا چاہتے ہیں تو بیسن, یا کارن فلور مکس کرنا چاہتے ہیں تو کارن فلور آپ ایڈ کر سکتے ہیں. آپ فش فرائی کریں اس کو ساتھ املی کی سوس کے ساتھ, آپ اس کو چٹپٹے مسالے یا ہری مرچ دہی کے ساتھ ڈال کے آپ اسے کھائیں, مزہ آپ کو بہت زیادہ آئے گا. یہ سیزن کی آپ کو ڈش ہے اور انشاءاللہ مزہ بھی آئے گا اور انجوائے بھی کریں گے. تھینک یو سو مچ. زبردست جی, لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لے کے بڑی پیاری بچی ہے ماشاء اللہ. جی بہت کیوٹ میوٹو سی بچی تھی ان کی, بہت مزہ آیا. آپ کو بھی پیاری لگنی چاہیے ایسے بچوں کو دیکھ کے, ماشاء اللہ ضرور کہا کرے, اور کبھی یہ نہ دیکھا کہا کرے ہائے کتنی پیاری ماشاء اللہ. مجھے بھی لوگ دیکھیں گے آپ کتنی پیاری, تھینک یو بٹ ماشاء اللہ پلیز یہ ورڈ ضرور بولا کریں. اس سے اور سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. شہزاد کیا کرتے ہیں؟ میں جنرل مینیجر ہوں ریسٹورینٹ میں, اور کچن کو بھی جو ہے نا وہ لک آفٹر کرتا ہوں. ویری نائس. چلے جی سوال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لاہور سے ہی تعلق ہے؟ جی لاہور سے. 11111 کو کس طرح لکھیں گے آپ؟ کتنے ون, کیا ڈیجٹ ڈالیں گے اس کو؟ ہم لکھیں 11000. 11000 11111 کو اس کو لکھیں گے ہم 7 ٹائم جو ہے نا وہ ون لکھیں گے ہم. غلط. 6 ٹائم ٹیٹرا 6 ٹیٹرا 1. 11111 1111117 ٹائم 1 آئے گا. نو چلے جی ریسیپی بتائیں گے. ریسیپی میں بتاتا ہوں آپ کو, آج ڈفرینٹ ریسیپی ہے. چکن ٹکا پاستا, نارملی اٹالین پاستا ہوتا ہے, اس میں آپ اس کو چکن بون لیس کو آپ میرینیٹ کریں گے چکن ٹکا اسپائسیز کے ساتھ, تھوڑا سا جنجر اور گارلک اور چکن ٹکا مسالہ, تھوڑا سا سالٹ اور بلیک پیپر کے ساتھ. اس کے بعد آپ پاستا جو ہوتا ہے پینے پاستا آپ لے سکتے ہیں, اس کو آپ بوائل کریں ہاٹ واٹر کے اندر, اس کو سائڈ پہ رکھ کے اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا پانی ڈال کے آپ لوگ فارم, اس میں ٹمیٹو سوس آپ بنائیں, اس کی ٹمیٹو سوس میں بنا کے اس کے اندر آپ نے تھوڑے سے اسپائسیز ایڈ کرنے ہیں, اٹالین مکس ہب سیزننگ ایڈ کرنی ہے, بیزل ایڈ کرنا ہے, اور اس میں تھوڑا سا آپ نے اپنے اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ آپ کریم یا چیز وغیرہ اس کے اندر ڈال کے اس کو ٹوسٹ کریں. اس کے بعد پاستا اس کے اندر ایڈ کریں اور چکن ایڈ کریں, اور گرما گرم جو ہے اپنے مہمانوں کو پیش کریں, تو یہ آپ کا چکن ٹکا پاستا ایک ریڈی ہو جائے گا. شادی شدہ آپ؟ جی میرے وائف کو کتنی دفعہ بنا کے کھلایا؟ آج ہی بنایا. پہلی دفعہ؟ آج ہی بنایا. اس سے پہلے کبھی نہیں بنایا؟ نہیں اس سے پہلے بھی بنایا, لیکن یہ والا جو ریسیپی تھا آج ٹرائی کیا تھا. کتنی دفعہ آپ بنا لیتے ہیں؟ نارملی ڈے آف والے دن میں بناتا ہوں, جو جس دن چھٹی ہوتی ہے اس دن گھر میں کوکنگ میں ہی کرتا ہوں. ارے واہ, یہ لے لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لے کے, ویری نائس. جی انہوں نے بتایا کہ چھٹی والے دن یہ کوکنگ کرتے ہیں, جو کہ بہت اچھی بات ہے. میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے کہ اس میں کوئی ڈیوٹی نہیں ہوتی, آپ پیار سے جتنا کسی کے لیے کر لو اتنا آپ اسے کروا سکتے ہو. جب آپ پیار سے کسی کی ایک بات مانو گے نا, تو اگر آپ وائف ہو آپ اپنے ہسبینڈ کی ایک بات مانو گے تو چار آپ ان کی اپنی منوا سکتے ہو. اسی لیے ہمیشہ گیو اینڈ ٹیک سے ہی ریلیشن چلتا ہے. آپ ان سے اپنی باتیں منوانا چاہتے ہو پانچ, آپ ان کی مان لو. تو اس طرح جب یہ لوگ بھی مل بانٹ کے جو ہے کچن وغیرہ اس طرح کی چیز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو یہ گھر کے لیے بہت اچھا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نام آپ کا؟ ذیشان. آپ کا نام؟ کشف. کون سی کلاس؟ ریبرین. ریبرین. آپ کیا کرتے ہیں؟ شاپ کیپر. ویری نائس. کیا عمر ہے بیٹا آپ کی؟ 5 ایئرس. 5 ایئرس ماشاء اللہ بڑی اچھی ہائٹ ہے 5 ایئرس. چلے جی سوال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک آدمی 8 دن سے نہیں سویا پھر بھی وہ زندہ ہے, نہ اسے نیند آ رہی ہے, کیوں؟ کیونکہ وہ زندہ. نیند بھی تو نہیں آ رہی نا, 8 دن سے نہیں سویا. نہیں سویا نا تو زندہ ہے نا, نیند جو نہیں آ رہی. 8 دن سے نہیں سویا. 8 دن سے نہیں سویا. ہاں, اور اب آگے آپ ایک دن نہ سوئیں تو آپ کی آنکھیں بند ہونا شروع. بالکل ہو جائے. اس کی کیوں نہیں ہو رہی, کیا لاجک ہے اس کے پیچھے؟ پتا نہیں. کیا سنائیں؟ گانا سنائیں گے. میں پل دو پل کا شاعر ہوں, پل دو پل میری کہانی ہے, پل دو پل میری ہستی ہے,
पल दो पल मेरी जवानी है, मैं पल दो पल का शायर हूँ। और आपने क्या सुना? पोइम। शहद की मक्खी तुन की पत्ती सुबह सवेरे घर से निकली, बाग में पहुंची फूल पे बैठी, फूल का उसने रस को चूसा, उसका उसने शहद बनाया जो हम सब के काम में आए। Very nice, जी लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए। थैंक यू जी, बहुत क्यूट सी बच्ची थी, गोल मटोल सी, बड़ा मजा आया किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? लारेब उस्मान। खदीजा मोहम्मद। बेबी का नाम? मोहम्मद ईसा। ओके, ये किसका बच्चा है? आप? मेरा। ओके, ठीक है। आप दोनों बहनें? जी जी। ठीक है, कितना फ़र्क है? वन ईयर। हाँ, मजा नहीं होगा जी। अच्छा चलो, कभी मारा है छोटी बहन को? बहुत दफ़ा। ओए, किस बात पे मार पड़ी बेटा? अक्सर कपड़ों पे। क्या उम्र है आपकी? 17। आपकी 18 नहीं थी, छोटी उम्र में शादी हो? ओके, तो ये बच्चे की उम्र क्या है? 1 ईयर। अच्छा माशाल्लाह, हाइट लंबी है ना 1 ईयर के हिसाब से। चले जी, चले जाने, चल नहीं नहीं इसको। मुझे बताएं, इंसान अपनी ज़िंदगी के सबसे क्विक फैसले कब लेता है? इमोशनल स्टेट में, आई गेस इमोशनल स्टेज में सबसे क्विक, उससे भी क्विक मेरे ख्याल है खाना खाने। जब एक्सीडेंटल। क्या सुनाएं? सॉन्ग। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा, ये क्या बात है आज की चांदनी में, कि हम खो गए प्यार की रागनी में, निबाहों में बाहें ये बहती निगाहें, लो आने लगा जिंदगी का मजा, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कौन सा सॉन्ग है ये? एक सॉन्ग ओल्ड है। अच्छा, ये नहीं, लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए। थैंक यू जी। बड़ी क्यूट सी बहनें थी और बड़ा अच्छा गाना सुनाया उन्होंने। आई थिंक काफी पुराना ये सॉन्ग है मगर बहुत अच्छा था जी। टाइम हो गया है एक ब्रेक का, सो लेट्स हैव अ ब्रेक।